जिस हमने टेक्निकल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जब पढ़ा था तो हमने उसमें यह देखा था कि ये बेसिकली दो इनपुट्स के कम्बिनेशनस को जो अलोंग द सेम आइसोकुंट हैं उनके दरमियान जो तबादला हो रहा होता है उसके रेट को जाहिर करता है तो अब उसी के साथ एक अटैच एक और टर्म है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन मीन्स कि कैपिटल और लेबर के दरमियान जो तबादला या स्विचिंग हो रही है या एक यूनिट के बदले में एंटरप्रेन्योर दूसरे के यूनिट्स कितने ले रहा है उसमें जो इलास्टिसिटी है मीन फ्लैक्सिबिलिटी कितनी है वो या वो उसके दरमियान हम कहें कि पॉसिबिलिटी कितनी है दैट विल बी कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन बेसिकली हमारे आइसो क्वांट की शेप से वाजिया होती है अब अगर हम यहाँ पे अपनी कर इक्वेशन uh, को देखें जो हमने शो की है तो हमने इसको रो से नोटेशन दी है और उसमें कहा है कि दैट इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन जी टू डिवाइड बाई जी वन अब ये जी वन या जी टू दैट कैन बी एनी टू लेवल ऑफ द इनपुट्स दैट कैन बी कैपिटल एंड लेबर तो हम कह सकते हैं चेंज इन कैपिटल एंड लेबर तो के एंड एल भी हो सकता है एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन तो किसी दो इनपुट्स के दरमियान जो चेंज आपस में हो रही है उसको जब हम उनके दरमियान मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन से डिवाइड करते हैं तो वो जो प्रपोशनेट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन और अगर हम ये देखें तो बेसिकली ये इनपुट रेशो जो हमारे कर्फ के अंदर होती है जो आइसोक्वाट के एक उसको शो करता है और दूसरे उस कर्व के कर्विचर को शो करता है क्योंकि अगर एक कर्व स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगा तो उससे वाजिया है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन है वो वन टू वन यूनिट हो रही है लेकिन अगर वो कर्व कन्वेक्स टू ओ रीजन है फ्लैटरली जिसका ज़्यादा स्लोप जो है वो कम है तो हम देखेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी में डिफरेंस आ रहा होगा लेकिन उसी तरीके से एक आइसोक्वांट जो कि स्टीपर फॉर्म में होगा उसकी स्लोप कम होगी तो उसके दरमियान रेट ऑफ सब्सिट्यूशन जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा इसीलिए चेंजेस इन द आउटपुट रेशो बिटवीन द टू पॉइंट्स of a and the b but there should be one thing confirmed that these two points are on the same isoquant then the difference between these two points and the alongside slopes they will be expressing the elasticity of substitution अब अगर हम इसको कहें कि जो क्रॉसपॉन्डिंग चेंज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन में आ रही होगी और यहाँ हमने उसको नोटेशन टू एंड वन की दी है और अगर हम टू एंड वन को अपने इनपुट्स के साथ शो करें तो वी कैन से दैट बेसिकली इट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर और अगर कोई दो और इनपुट हैं तो हम एक्स टू एक्स वन भी उससे भी शो कर सकते हैं अब अगर हम इन आइसो क्वांट्स को जो कि हमारे पास मुख्तफ़ पॉइंट्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं और उनके रेलिवेंट जो पॉइंट्स जिनको हमने उन कम्बिनेशन की शक्ल में देखा है अगर हम एक्सप्रेस करें डायग्राम की फॉर्म में और उनको आ, उसके साथ एक लाइन ड्रा करें तो देन वी कैन से कि ये इस फॉर्म में हमें नज़र आते हैं अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक आइसो कोंट है हमारे पास जो आई नाट है और इस आई नॉट आईसो के ऊपर दो कम्बिनेशन हैं मेन एक कम्बिनेशन ए है और इस ए कम्बिनेशन के तहत अगर हम अब ड्रा करें तो इसका मतलब है कि इसके साथ यहाँ पे Z1 और इधर से Z2 का एक कम्बिनेशन है या दूसरे फॉर्म में मैं कहूँ यहाँ पे लेबर वन है और यहाँ पे कैपिटल टू का कम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है उसी तरीके से अगर हम बी पॉइंट पे आए और उसके साथ अगर मैं ड्रा करना चाहूं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे Z2 जो कि ये शो हो रहा है ये B वाला है और यहाँ पे ये Z1 और उसकी अमाउंट जो है हमारे पास आ रही होगी अब जो इस कम्बिनेशन को अगर हम शो करें तो Z1 B हो सकता है और ये Z1 A भी है तो वेरियस कम्बिनेशन में ये वाले कम्बिनेशनस की जो स्लोप है और ये वाली कंबिनेशन की जो एक स्लोप है जब हम इसके साथ डायरेक्ट ओरिजिन से लाइंस को हम ड्रा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि देर आर द स्ट्रेट लाइंस, जो कि हमें शो करती हैं उसके कांस्टेंट रेट ऑफ स्केल को या कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न्स को उसी तरीके से जब हम एक और आइसोकॉन ड्रा करते हैं तो और उसके वेरियस पॉइंट्स के कंबिनेशन जो हैं वो भी हमें सामने नजर आते हैं तो अगर हम देखें तो अब ये एक इंटरनल हमारे पास सेटअप है जो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन को शो करता है और दूसरी तरफ पे ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन अगर हम देखें तो उसके कर्वेचर से हो रही है इसी फॉर्म में अब अगर हमारे पास एक आइसो इस फॉर्म में हो जिसको मैं कहूं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसका एक कम्बिनेशन ए है और उसका ही एक कम्बिनेशन बी है और इन दोनों के दरमियान हमने देखना हो कि स्विचिंग हो रही है तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ रही होगी सो इट डिपेंड्स अपॉन द टू ऑस्पेक्ट्स नंबर वन द कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट इज कैपिटल एंड लेबर और उस कैपिटल एंड लेबर मीन इनपुट्स का रेशो कितनी है और दूसरे जो कर्वेचर ऑफ आइसो क्वांट है वो क्या है